हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे वोडाफोन की एक प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पर हमें कोई भी कॉल मिलाता है तो यहाँ पर हमारा वोडाफोन का सिम हमेशा उसको बिजी बताता है। अब मान लीजिए कि कोई हमें कॉल मिला रहा है और बहुत अर्जेंटली कॉल है, तो फिर उस प्रॉब्लम में सिचुएशन हो जाती है बहुत बड़ी क्रिएट। तो हमें इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जिनकी वजह से हमारी जो कॉल आती है वो जो है उसको बिजी बताती है। तो क्या है वो, आज चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइज़, यहाँ पर आपको अपने कस्टमर केयर से बात कर लेना है। अगर वो बताए कि आपको जो आपकी इनकमिंग कॉलिंग है वो सर्विस ऑन है, तो तभी आप इस प्रोसेसर को जो है देखिएगा, इस प्रोसेस को देखिएगा। तो उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले कंफर्म आपको कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता आपकी सर्विस ही बंद हो तो ये जो सेटिंग्स है आपके काम नहीं आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें तीन डॉट डॉट के आइकन पर जाना है और यहाँ पर मोर फीचर्स एंड सेटिंग्स पर जाना है। यहाँ पर गाइस आपको मिलेगा कॉल का फीचर मिलेगा गाइस, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सिम सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेटिंग्स है, यहाँ पर आपको सबसे पहली सेटिंग्स जो मिलेगी वो है एडिशनल सेटिंग्स की। तो यहाँ पर जो है आपको कॉल वेटिंग का जो फीचर है यहाँ पर आपको डिसेबल ही रखना है। अगर आप इनेबल रखेंगे तो आपकी जो कॉलिंग है वो जो कॉल करेगा वो आपको हमेशा बिजी बताएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कॉल बेयरिंग में जैसे आप जाएंगे तो गाइस यहाँ पर आपको मिलेगी इनकमिंग कॉल। तो यहाँ पर इनकमिंग कॉल को आपको हमेशा ऑफ करना है। यहाँ पर आपको कुछ पासवर्ड वगैरह पूछता है तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दीजिए। अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो मेरी जो है वीडियो है यहीं पर यूट्यूब पर, मेरी इसी चैनल पर आप उसको देख सकते हैं, या फिर मैं आपको जो है उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ना मिले तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा तो आपको मिल जाएगी। तो यहां पर तक कुछ मेरा प्रोसीजर, यहां पर अगर आपको तो यहां पर थी गाइस मेरी कुछ पॉसिबिलिटी कि ये कैसे होना था और इसका क्या सोल्यूशन था वो मैंने आपको बता दिया है सब। यहाँ पर अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो या आपके मोबाइल में जो है सॉल्व नहीं हो रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक मत करना, अगर हो जाए तो लाइक ज़रूर करना और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार हम पर ऐसे ही बनाए रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।